के अंदर जो भी फाइनेंसिंग की जाती है, आप लोगों को पता होगा कि ये दो टाइप से फाइनेंसिंग हो सकती है। फर्स्ट तो ये शेयर्स इशू कर सकते हैं और ये लोग डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं और डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं। जो शेयर्स हैं वो दो तरह से हम लोग इशू कर सकते हैं, फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश, फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। सेम विद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आप दो मैनर में इशू कर सकते हैं, फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। जब भी हमारी कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग की नीड होती है तो हम दो तरह से फाइनेंसिंग ले सकते हैं, या तो कैपिटल रेज करके या फिर बाहर से लोन रेज करके। कैपिटल रेज करने के लिए हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स दो तरह से आपके इशू किए जा सकते हैं, फॉर कैश एंड फॉर अदर दैन कैश। ओके, फॉर कैश का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे शेयर इशू करेंगे और शेयर इशू करने के बदले में हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पब्लिक को हमने शेयर्स इशू किए हैं कि पब्लिक आओ हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करो। जब वो पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करती है तो कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ठीक है, जितने भी रुपए का एक शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या मिल जाता है, कैश मिल जाता है। नाउ व्हाट इज फॉर अदर देन कैश, फॉर अदर देन कैश का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी कैश नहीं कॉल करती है शेयर कैपिटल के बदले में। कंपनी ने कोई असेट अक्वायर करी होती है, ठीक है, या फिर कंपनी ने कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट एक्चुअल कैश में नहीं करती है, जो असेट अक्वायर करी उसका पेमेंट कैश में नहीं किया, कोई एक्सपेंसेस किया तो उसका पेमेंट कैश में नहीं किया, उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको पेमेंट करना है मैंने उसे क्या इशू कर दिए, कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। आज की डेट में मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, मैंने उस बंदे को अपनी कंपनी के क्या इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए। इन शेयर इशू करने के बदले में मेरे पास में कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा, इसलिए इसे कहते हैं अदर देन कैश शेयर इशू करना। तो आज जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो हमारा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, नाउ आज क्या कवर करने वाले हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आज आप लोगों का 10 to 15 मार्क्स का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है वो अपना पूरा चैप्टर यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्वाति माहेश्वरी। ओके, 11th और 12th क्लास हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, इसके बाद में हम सी ए सी एम ए भी यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं आप लोगों का। आप सी ए सी एम एस सी एस जिस भी प्रोफेशन को चूज करते हैं हमारे यहाँ पे उनकी भी फैकल्टीज है जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स उनसे रिलेटेड पढ़ाती है। ओके, आप लोगों को हमारे यहाँ पे पढ़ने का डिफरेंस, आप लोग डेमो क्लासेस लीजिए, हमारे ये लेक्चर्स देखिए, आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंस है अदर इंस्टीट्यूट से। ओके, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दी जाती है, आपको यहाँ पे 11th 12th क्लास का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दिया जाता है ताकि आप फ्यूचर में जिस भी प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट करते हैं वेदर सी ए सी एस और सी एम ए आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आपका ऑलरेडी अकाउंटेंसी इतना स्ट्रांग होता है कि आप वहाँ पे जाकर के आप इजीली उनके अकाउंटेंसी कोर्स को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर अदर देन कैश, फॉर अदर देन कैश, यानी मैंने शेयर्स इशू किए फॉर अदर देन कैश। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग केसेस से समझा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को अलग अलग केसेस से समझा रही हूँ। सबसे पहले मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम वाई, फ्रॉम वाई फोर रुपीज फाइव लैख एंड पेमेंट, पेमेंट मेड बाय इशू ऑफ
बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार रुपीज 10, एट पार रुपीज 10। आप सब लोगों को पता होगा कि जो शेयर्स है वो दो अलग अलग वैल्यू पे क्या किए जा सकते हैं, इशू किए जा सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो शेयर्स को एट पार भी इशू कर सकती है और कंपनी चाहे तो शेयर्स को एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है ना। व्हाट इज एट पार? अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू पे ही शेयर इशू करती है तो उसे हम कहते हैं एट पार पे इशू करना, और अगर कंपनी शेयर्स एट प्रीमियम पे इशू करती है यानी मोर देन द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू तो हम उसे क्या कहते हैं एट प्रीमियम। अगर आपका पार वैल्यू 10 रुपए है तो उसे 15 रुपए पे इशू करना, 12 रुपए पे इशू करना, 20, 25, 50 पे इशू करना, क्या हुआ एट प्रीमियम पे इशू करना। तो से 50 रुपीज पे हमने शेयर इशू किया तो टोटल इशू प्राइस कितनी हो गई मेरी 50 रुपए। 50 में से 10 रुपए तो मेरी क्या है फेस वैल्यू है, तो मेरा प्रीमियम कितना हो गया 40 रुपए मेरा प्रीमियम हो गया। ओके क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है चलिए अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, क्या चीज कहाँ कौन से अकाउंट को रिफ्लेक्ट करती है, क्यों करती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले हम केस नंबर 1 पे फोकस करेंगे। हमने कहा कि हमने मशीनरी परचेज करी तो सारे गोल्डन रूल्स आप लोगों को पता ही होंगे, असेट जब भी हमारी इनकमिंग होती है हम उसे क्या करते हैं डेबिट करते हैं। ओके तो मशीनरी मैंने परचेज करी है, कितने रुपए की मशीनरी है 5 लाख रुपए की मशीनरी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 5 लाख रुपीज से। मैंने मशीनरी को डेबिट कर दिया कितने रुपए से 5 लाख रुपए से। चलिए कि मशीनरी मैंने परचेज किससे करी, मैंने परचेज करी है मिस्टर वाई से, फ्रॉम वाई मिस्टर वाई से। तो पहले ये अमाउंट जो मिस्टर वाई को मुझे देना है वो मैंने ड्यू कर दिया, वो मेरे क्रेडिटर बन गए, मेरी लाइबिलिटी बन गए। जब भी लाइबिलिटी रेज होती है तो आप क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं। कितने रुपए का पेमेंट करना है इनको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है चलिए बींग मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी मैंने क्या कर ली है परचेज कर ली है। ओके अब मुझे क्या करना है मिस्टर वाई को पेमेंट करना है, तो क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई मिस्टर वाई को पेमेंट आपने शेयर इशू करके करा है, एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है जब भी हमारा अदर देन कैश का पार्ट आ जाता है तो हमें जो सेकंड स्टेप करना होता है यानी एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है हमें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है, आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है, एक शेयर के बदले में उस बंदे के पास में कितने रुपए जा रहे हैं 10 रुपए जा रहे हैं, तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करूं कि पूरे 5 लाख का पेमेंट हो जाए। तो सिंपली जितना मेरा परचेज कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाई इशू प्राइस, 5 लाख रुपए मुझे पेमेंट करने हैं, एक शेयर के बदले में 10 रुपए जा रहा है, तो मैं 50,000 शेयर्स इशू करूंगी तो मेरे पूरे 5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है एकदम करेक्ट है। नाउ बाय मेरी लाइबिलिटी थी जिससे मुझे 5 लाख रुपए देने, इन 5 लाख रुपए को मैं कैसे रीपेमेंट कर रही हूँ 50,000 शेयर इशू करके। तो मेरी लाइबिलिटी वाई नाम से जो लाइबिलिटी है वो क्या हो रही है खत्म हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या कर देते हैं डेबिट वाई अकाउंट, डेबिट टू मैं इसको शेयर इशू कर रही हूँ, शेयर कैपिटल इज माय लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल का रीपेमेंट हम तभी करते हैं जब हमारी कंपनी बंद होती है, तो कंपनी बंद होगी तब मुझे इसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो इट इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रेडिट किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की कैपिटल 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, कितने रुपए 5 लाख रुपए, कितने रुपए 5 लाख रुपए की मैंने शेयर्स इशू कर दिए। नरेशन लिख लेंगे बींग 50,000 शेयर्स issued to Mr. Y, issued to share Mr. Y। चलिए
अब आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू ही क्रेडिट करती है। ऐसा क्यों, वो भी समझाते हैं आपको। देखिए, मेरा एक शेयर है जो उसके फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको मैंने इशू किया 12 रुपए पे। मेरा एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है, और इसका इशू प्राइस कितना है, 12 रुपए है। तो मेरा बताइए प्रीमियम कितने रुपए का हो गया, मेरा प्रीमियम हो गया 2 रुपए का। ये प्रीमियम मेरा कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। ये प्रीमियम मेरा क्या कहा जाता है, कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है। क्यों कैपिटल प्रॉफिट, आपके दो टाइप के अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस और कैपिटल ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेकरिंग नेचर ट्रांजैक्शंस। और जो हमारे नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी कभार होते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए होते हैं, वो हमारे कौन से ट्रांजैक्शंस हो गए, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो गए। शेयर इशू रोज रोज तो करेंगे नहीं, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो 2 रुपए मेरा कौन सा प्रॉफिट हो गया, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल प्रॉफिट आप एक अलग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जो ये फेस वैल्यू होती है, इस फेस वैल्यू को ही हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आपके शेयर्स दो प्राइस पे इशू हो सकते हैं, कौन कौन से, एट पार और एट प्रीमियम। पार पे है तो केवल फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू हमेशा कौन से अकाउंट में जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। और अगर एट प्रीमियम है तो प्रीमियम को हम कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, प्रीमियम को हम हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम। हमने एक मशीनरी परचेज करी थी अबव वाले केस की जैसी, सेम मिस्टर वाई से, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। एक मैंने इनको शेयर इशू किए, रिटर्न में क्या इशू किया, शेयर इशू किया, जिसका फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू था 10 रुपए, और इशू प्राइस कितना था, इशू प्राइस था 20 रुपए। इशू प्राइस कितना था, 20 रुपए। तो सिंपली सबसे पहले मैंने मशीनरी परचेज करी है, क्या एंट्री करेंगे, मेरी कंपनी के अंदर मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी है, मिस्टर वाई से खरीदी है तो टू मिस्टर वाई उनको पेमेंट करना है, मेरी लाइबिलिटी बन गई कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में मैं 5 लाख रुपए के बदले में कैश नहीं दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, उनको शेयर इशू कर रही हूँ। तो मुझे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ने नहीं बताया है कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर उन्हें इशू किए हैं। तो नाउ हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। चलिए, मुझे पेमेंट कितना करना है, 5 लाख रुपए। बताइए एक शेयर के बदले में उसे कितना पेमेंट हो रहा है, 10 रुपए या 20 रुपए। जब एक शेयर 20 रुपए पे इशू कर रही हो तो रीपेमेंट कितने रुपए का हो रहा है, एक शेयर के बदले में 20 रुपए का हो रहा है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर मैं आप लोगों के इशू करूं कि पूरे 5 लाख रुपए का पेमेंट हो जाए। तो आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर आ जाते हैं कितने, 25,000 शेयर्स। कितने शेयर्स का आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, 25,000 शेयर्स का पेमेंट करना, सॉरी इशू करना पड़ेगा, तो आपका 5 लाख रुपए का पूरा पेमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ शेयर्स। इस नंबर ऑफ शेयर में अब हम देखते हैं कि भाई कितना तो मेरा कैपिटल है और कितना मेरा प्रीमियम है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग अकाउंट के अंदर जाती है। कैपिटल मतलब हमेशा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी पैसा है वो मेरा क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो कैपिटल कितनी है भाई, 10 रुपए, 2.5 लाख रुपए की तो कैपिटल हो गई, और प्रीमियम भी कितना हो गया, 10 रुपए, 2.5 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, ठीक है।
कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, सबको पता है, तो हम इसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. प्रीमियम इट्स योर कैपिटल प्रॉफिट, अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को, और प्रॉफिट्स को क्या करते हैं आप लोग, क्रेडिट करते हैं. इसलिए ये दोनों अकाउंट मेरे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे. चलिए ठीक है, समझ में आ गया. अब बताइए मिस्टर वाई को हम पेमेंट करेंगे, मेरी लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये मेरी कौन सी एंट्री बन गई, सेकंड एंट्री. वाई को कितना पेमेंट किया, 5 लाख का, 25,000 शेयर इश्यू करके, 25,000 कैपिटल कितनी आई, 2.5 लाख की कैपिटल आई, प्रीमियम कितना आया, 2.5 लाख का प्रीमियम आया. सारी कैलकुलेशन हम लोग नीचे कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है आप लोगों को. मैं इतना आपको डिटेल में यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग की जाती है. आप लोगों को आपके अकाउंट्स के अंदर इतना परफेक्ट बना दिया जाता है कि आप किसी भी लेवल की जर्नल एंट्री कर सकते हैं. ओके, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. चलिए अब हम क्या करते हैं, अदर देन कैश में एक बिजनेस परचेज करके देखते हैं. एक सेकेंड टॉपिक आता है आप लोगों का, बिजनेस परचेज करना, ठीक है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. हम जो है वो हम एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है. हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड की. एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ, परचेज्ड बिजनेस ऑफ एक्स वाई जेड एंड कंपनी, XYZ and company on 1st April 2023. On 1st April 2023, XYZ and company had following assets and liabilities. असेट्स का नाम देखें हम लोग, तो हमारे पास में वहां पे पड़ी थी कुछ फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक, डेटर, कैश, बीआर. लाइबिलिटीज में देखें तो हमारे पास में बीपी था, क्रेडिटर्स थे और लोन थे, और लोन था. फिक्स्ड असेट्स थी हमारे 10 लाख रुपए की, स्टॉक था हमारा 2 लाख रुपए का, डेटर्स थे 3 लाख रुपए के, कैश पड़ा था 2.5 लाख का, और बीआर थे हमारे 2.5 लाख के. बीपी था हमारा 2 लाख का, क्रेडिटर्स थे हमारे 3 लाख के, और लोन चल रहा था मेरा 5 लाख रुपए का, लोन चल रहा था मेरा 5 लाख रुपए का, ठीक है. ये सारा आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पे कंपनी डिसाइडेड टू पे रुपीज ट्वेल्व लैख टू एक्स वाई जेड एंड कंपनी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. इश्यू प्राइस आप लोगों को गिवन है कितने रुपए, 12 रुपए. इन फॉर्म ऑफ शेयर्स इश्यू प्राइस आप लोगों को गिवन है कितने रुपए, 12 रुपए, ठीक है. यहाँ पे दे देती हूँ मैं आप लोगों को इश्यू प्राइस 12 रुपए. अब ध्यान से समझे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है. जब भी कोई कंपनी किसी अनदर बिजनेस को परचेज करती है, ठीक है, तो मेरी कंपनी के अंदर, मेरी कंपनी मतलब एक्स लिमिटेड के अंदर कुछ असेट्स आएगी और कुछ लाइबिलिटीज आएगी, ठीक है. असेट्स जब भी हमारी इनकमिंग होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और लाइबिलिटीज जब भी हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है. मेरे पास में कितने रुपए की असेट्स आएगी, ध्यान से देखें, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 5 लाख, ठीक है. टोटल कितने रुपए हो गए, देखिए
20 लाख रुपए की मेरी टोटल असेट आएगी। टोटल असेट कितने रुपए की आई? 20 लाख रुपए की आई। ठीक है, देखिए टोटल लाइबिलिटी कितने रुपए की आई मेरे? 10 लाख रुपीज की टोटल लाइबिलिटी आई। लाइबिलिटी कितने रुपए की आई? 10 लाख रुपए की। 20 लाख की असेट आई, उसमें से 10 लाख रुपए की तो लाइबिलिटी का पेमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे नेट असेट कितने रुपए की आई? एक्स लिमिटेड के अंदर नेट असेट आई 10 लाख रुपए की। बट देखो मैंने उसे क्या कहा कि आपके ये नेट असेट में कितने रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूँ? मैं 12 लाख रुपए में आपको खरीदने के लिए रेडी हूँ। यानी कि 10 लाख की चीज के बदले में मैं आपको कितना रुपए दे रही हूँ? 12 लाख रुपए दे रही हूँ। 2 लाख रुपए आपको मैं क्या दे रही हूँ? एक्स्ट्रा दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ ये एक्स्ट्रा पैसा? तो भाई वो XYZ कंपनी कहेगा कि मैंने जो इतने साल तक बिजनेस किया वो फ्री में थोड़ा ना किया, मार्केट में कुछ क्या बनाई होगी? रेपुटेशन बनाई होगी। तो मैं केवल 10 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं तो अपने रेपुटेशन का भी, गुडविल का भी एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। एंड दैट 2 लाख रुपीज इज फॉर गुडविल। जो आपने उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो आपने क्यों दिया? XYZ कंपनी को उसके गुडविल के लिए दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा? तो सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है। आपकी सारी असेट्स आपके बिजनेस में आ रही है तो सारी असेट्स को आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज आई उन्हें आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ऑल असेट्स आपको अलग अलग लिखनी है। यहाँ पे कौन कौन सी असेट थी आप इंडिविजुअल लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी टोटल बता रही हूँ। फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, जितनी भी असेट्स आ रही है आप उनको इंडिविजुअली, क्योंकि असेट्स इनकमिंग होती है तो आप क्या कर देते हैं? डेबिट। तो डेबिट कर दिया मैंने कितने रुपए से? 20 लाख रुपए से। ओके, क्यों? क्योंकि 20 लाख की असेट आई। टू ऑल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का अलग अलग नाम लिखेंगे आप यहाँ पे। टू बीपी, टू क्रेडिटर, टू लोन, तो कितने रुपए की लाइबिलिटीज आई? पूरे 10 लाख रुपए की लाइबिलिटीज आई। ठीक है, अब मुझे जब ये मैंने बिजनेस परचेज किया तो मुझे सामने वाले बंदे को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई XYZ एंड कंपनी के नाम से। कितने रुपए का पेमेंट फिक्स किया है हमने? 12 लाख रुपए का पेमेंट फिक्स किया है। ठीक है, देखिए इधर का टोटल कितना हो रहा है? 22। इधर का टोटल कितना हो रहा है? 20। यानी कि मैंने उसको 2 लाख रुपए क्या दिए? एक्स्ट्रा पेमेंट किए। जो मैंने आपको अभी नेट असेट अप्रोच से समझाया था कि 20 में से 10 लाख का तो रीपेमेंट खुद ही हो जाएगा, तो नेट कितनी असेट आई? 10 लाख। 10 के बदले में मैं पेमेंट कितना कर रही हूँ? 12 लाख का। तो मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट किया होगा? 2 लाख रुपए गुडविल के लिए पेमेंट किया होगा। गुडविल इज ऑल्सो योर असेट, आपने खरीदी है वो गुडविल, तो आपने उसे यहाँ डेबिट कर दिया गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से। डन। चलिए सेकंड एंट्री, अब इसको रीपेमेंट करना है मुझे XYZ एंड कंपनी को। तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट कर दिया। किस फॉर्म में कर रहे हैं? शेयर इशू करके। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर कितने रुपए का है? तो आइए देखते हैं हम लोग एक शेयर हमारे कितने रुपए का है। हमने कहा कि भाई फेस वैल्यू, तो इशू प्राइस 12 रुपए है, फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू है। यानी कि मुझे 12 लाख रुपए उसे पे करने हैं। एक शेयर के बदले में कितना रुपया उसे जा रहा है? 12 रुपए। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगी? 1 लाख शेयर इशू करूंगी। 12 लाख एक शेयर के बदले में 12, तो 12 लाख का पेमेंट कब होगा? जब मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगी। तो आइए यहाँ पे अपन एक क्या बनाते हैं? नोट बनाते हैं। भाई पेमेंट कितना करना है? 12 लाख रुपए। एक शेयर के बदले में कितना? 12 रुपए। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए। अब देखो कैपिटल में तो कितना जाता है आप लोगों का? फेस वैल्यू जाता है। क्या आप उसे फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो? नहीं, 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। कैपिटल में तो कितने रुपए जाते हैं आप लोगों के? फेस वैल्यू 1 लाख × 10, 10 लाख रुपए। बाकी जो पैसा है एक्स्ट्रा, वो कहाँ जाता है आप लोगों का? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। 1 लाख × 2 रुपए का प्रीमियम है 2 लाख रुपए। टोटल कितना पेमेंट किया अपन ने? 12 लाख
रुपए। तो ये हो गई अपनी सेकेंड जर्नल एंट्री, एक्स वाई जेड एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब एक सेकेंड चेंज करके देखते हैं अपन हमारे क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारा परचेज कंसीडरेशन जो हमने अभी अभी 12 लाख डिसाइड किया था, अगर मैं इसको 9 लाख रुपए कर दूं, है ना, पेबल इन शेयर्स इशूड एट पार, इशूड एट पार। बहुत सिंपल सा है, देखो मैंने टोटल असेट कितने रुपए की खरीदी थी, टोटल असेट्स मैंने खरीदी थी 20 लाख रुपए की। 20 लाख में से मेरे को लाइबिलिटीज का तो कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा, 10 लाख रुपए का मुझे पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो मैंने नेट असेट कितने की खरीदी थी, 10 लाख की, बट 10 लाख के बदले में मैं पेमेंट कितना कर रही हूँ, 9 लाख रुपए का। तो मेरे को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। क्या ये बेनिफिट मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। अभी अभी बताया था दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर के होते हैं और कैपिटल जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। किसी का भी बिजनेस रोज रोज तो खरीदेंगे नहीं, नॉन रिकरिंग नेचर का वो आपका है। तो ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख रुपए का कौन सा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ। और इस कैपिटल प्रॉफिट को कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं हम क्या बनेगी हमारी। ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपए टू ऑल लायबिलिटीज 10 लाख रुपए। अब हमें पैसा देना था किसको, एक्स वाई जेड को। एक बार के लिए हमारी लायबिलिटी बन गया कितने रुपए से, 9 लाख रुपए से। देखिए 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये 1 लाख रुपए मेरा क्या है, प्रॉफिट है, जिसे आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। चलिए ठीक है, अब सेकंड एंट्री, मेरे को क्या करना है, 9 लाख का पेमेंट करना है और कितने शेयर्स इशू करूंगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। कितने रुपए का पेमेंट करना है, 9 लाख का, एक शेयर के बदले में कितना पैसा जाएगा, 10 रुपए, क्योंकि शेयर्स एट पार इशू कर रहे हैं। तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 90,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, एंट्री कर देते फटाफट से, एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कोई प्रीमियम है, नहीं, एट पार पे इशू हो रहा है 9 लाख, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाती है 9 लाख रुपए। ये हो गई आप लोगों की जर्नल एंट्री। ठीक है, बस ये हमने क्या सीख लिया, बिजनेस परचेज करना। जब भी हम बिजनेस परचेज करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें हमें नेट असेट को हमारे परचेज कंसिडरेशन से क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। अगर आपने परचेज कंसीडरेशन ज्यादा दिया है नेट असेट से तो वो आपने गुडविल की वजह से दिया होगा, और अगर परचेज कंसीडरेशन आपने कम दिया है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आपके पास में असेट तो ज्यादा आ रही है बट आपने उसके लिए पेमेंट कम किया है। दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट लेते हैं हम लोग, अदर देन कैश से ही रिलेटेड है। अगर मान लो आपने पेमेंट किया है प्रमोटर्स को, आपने पेमेंट किया है किसको, प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स को पेमेंट किया है, तो आप लोगों की क्या एंट्री होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना, अगर वही चीज प्रीमियम पे इश्यू किया है तो क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप लोगों को समझाया है भाई ये प्रीमियम क्या होता है, जो एक्सेस वैल्यू दिया हमने, मान लो प्रमोटर्स को पेमेंट किया, क्वेश्चन ही बताएगा आपको 2 लाख रुपए का, और इसके लिए मैंने शेयर्स इशू कर दिए 10,000 शेयर एट रुपीज 20, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए थी। तो चलिए प्रमोटर्स को पेमेंट कितना किया, 2 लाख। जब भी हम प्रमोटर्स को पेमेंट करते तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट होता है 2 लाख रुपए से। चलिए कितने शेयर, 10,000, 10,000 की फेस वैल्यू यहाँ पे जाती है 10 रुपए, 1 लाख रुपए। इससे ज्यादा, 10 से ज्यादा कितना पेमेंट किया, वो हमारा प्रीमियम है 10 रुपए। तो ये 10 रुपए प्रीमियम के हमारे चले जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो हमारी एंट्री बन गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहाँ गुडविल अकाउंट क्यों डेबिट होता है, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट क्यों होता है। आप लोगों को मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बता देती हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे
गुडविल अकाउंट इसलिए डेबिट होता है क्योंकि ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं आप लोगों के. प्रमोटर्स का मतलब होता है ये वो बंदे होते हैं जिनके बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है. आइडिया आता है तो वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट करके कंप्लीट करके हमारे न्यू कंपनी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. कंपनी कब से एग्जिस्टेंस में आई, जिस दिन हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, इनकॉर्पोरेशन का हमें सर्टिफिकेट बना मिला, उससे पहले के सारे खर्चे हमारे कंपनी के खर्चे नहीं होते हैं और उन्हीं के काम के बदले में हम उनको क्या देते हैं, ये एक तरह से रेमुनरेशन दे रहे हैं. तो इसे हम कौन से अकाउंट से शो करेंगे, गुडविल अकाउंट से शो करेंगे. चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगर मैंने अंडरराइटिंग कमीशन के लिए शेयर्स इशू कर दिए, अंडरराइटिंग कमीशन के लिए मैंने शेयर इशू कर दिए, तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनता है, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट आपका खर्चा है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं. अगर मान लो ये शेयर्स आप लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम इज योर कैपिटल प्रॉफिट एंड दिस इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिस इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ये आप लोगों की क्या बन जाती है, जर्नल एंट्री बन जाती है. अमाउंट बहुत ही सिंपल सी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन आप लोग को कहता है कि भाई अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट किया मैंने, कितने रुपए कमीशन का पेमेंट किया मैंने, मान लो 150,000 रुपए का पेमेंट किया, ओके, जिसके लिए मैंने शेयर्स इशू कर दिए, कितने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर इशू एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 5, एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 5, 5 रुपए के प्रीमियम पे. फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए मेरी फेस वैल्यू थी. तो सिंपली मेरा इशू प्राइस बताइए कितना हो गया, 10 रुपए की चीज को 5 रुपए प्रीमियम पे दे रही हूँ, यानी कि मेरा इशू प्राइस हो गया 15 रुपए. एक शेयर के बदले में कितने रुपए पेमेंट कर रही हूँ, 15 रुपए. तो बताइए नंबर ऑफ शेयर कैसे निकल जाएंगे मेरे, देना कितना है मुझे, उसे पेमेंट कितना करना है, 150,000 रुपए पेमेंट करना है. एक शेयर के बदले में कितना पेमेंट जा रहा है, 15 रुपए का पेमेंट जा रहा है, तो मैं 10,000 शेयर इशू करूंगी तो मेरा पूरा पेमेंट उनको हो जाएगा. चलिए बस अब क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग. अंडरराइटिंग कमीशन कितने रुपए था, 1.5 लाख रुपए था. कैपिटल में क्या जाती है, हमेशा फेस वैल्यू जाती है, 10,000 × 10 1 लाख रुपए. प्रीमियम कितना हुआ भाई, 5 रुपए का प्रीमियम हुआ, 10,000 × 5 50,000 रुपए का प्रीमियम हो गया. बस ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री. समझ में आया, ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है अदर देन कैश वाला. क्या क्या पढ़ा इसमें हमने, क्विक रिवीजन कर लेते हैं. अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और फिर शेयर्स इशू कर देते हैं. जर्नल एंट्री आप लोग पीछे जाकर के वापस से देख ले एक बार. अच्छा, असेट परचेज करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बिजनेस भी परचेज कर सकते हैं. तो हमें कंपेयर करना पड़ता है कि भाई नेट असेट के बदले में हमने आपको परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दिया है या कम दिया है. अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो आपके रेपुटेशन की वजह से, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते हैं. कम देते हैं तो हमें बेनिफिट हो जाता है, जिसे कैपिटल रिजर्व के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं. आप लोग प्रमोटर्स को भी उनकी सर्विसेज देने के लिए पेमेंट कर सकते हैं. जब भी आप प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं तो आप एक अकाउंट डेबिट करते हैं, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट. ओके, आप किसी खर्चे के लिए भी उन्हें आज कैश ना देकर के क्या कर सकते हैं, उन्हें शेयर्स इशू कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि भाई अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में आपने उनको कमीशन का कैश में पेमेंट नहीं किया, शेयर्स इशू कर दिए, तो सिंपली एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो तो कमीशन अकाउंट डेबिट और शेयर इशू कर दिया. लाइबिलिटी है आप लोगों की तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, प्रीमियम पे करेंगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग लिख देंगे. अगर प्रीमियम पे नहीं करते तो ओनली कैपिटल क्रेडिट कर देंगे. किस तरह से नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो मैंने आपको सिंगल एक फंडा दिया है कि भाई आप उनका करो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. इससे आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे. चल, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ अदर देन कैश का. अब हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश,
देखिए बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों को सबको पता है, जो चीजें आप लोगों को पता है मैं उन पे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें हर एक सिंगल स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने शेयर इशू किया और इस शेयर इशू करके पब्लिक से क्या मंगवाया है, पैसा मंगवाया है। पैसा मंगवाने के लिए मेरे पास में अलग अलग कॉल्स होती है, एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट होती है, फर्स्ट कॉल होती है, सेकेंड कॉल होती है, फाइनल कॉल होती है। अलग अलग बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों से पैसा कॉल कर सकती हूँ। क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप किस पे कौन सी कॉल पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं। ठीक है, अपन तो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। इन डिटेल आपको पढ़ना है तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीजें डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से ले सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। सबसे पहले मैं आप लोगों को केस वन बता दूं। केस वन क्या कि एक XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर कितने इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए हैं। भाई शेयर इशू दो प्राइस पे हो सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। अभी हम लेते हैं कि भाई एट पार पे शेयर इशू किया है। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपए था। पूरे 100% शेयर पब्लिक ने क्या कर लिया? सब्सक्राइब कर लिया। 100% शेयर पब्लिक ने क्या कर लिए? सब्सक्राइब कर लिए। यानी कि मेरे पास में पूरे 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। मैंने पूरा 10 रुपया एप्लीकेशन पे ही कॉल कर लिया था। पूरा 10 रुपए मैंने किस पे कॉल कर लिया? एप्लीकेशन पे ही कॉल कर लिया। ये अपना केस नंबर वन है। ठीक है, अच्छा, जब भी एप्लीकेशन आती है तो हमारी क्या एंट्री बनती है? क्योंकि आप पब्लिक, आप जनरल पब्लिक मुझ कंपनी को क्या दोगे? पैसा दोगे। एप्लीकेशन दे रहे हो कि भाई हमें शेयर चाहिए, तो उस एप्लीकेशन के साथ में क्या भेजोगे? रुपए भेजोगे। एक शेयर के बदले में 10 रुपया भेजोगे। ठीक है, तो 10,000 शेयर के बदले में आप सारी पब्लिक ने मुझे कितने रुपए भेजे? 1,00,000 रुपए। तो कंपनी के बुक्स में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। पैसा जब हम पूरा एप्लीकेशन पे ही कॉल कर लेते हैं, पार्ट्स में कॉल नहीं करते हैं, तो एक अकाउंट आप लोग करते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोगों को एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए की एप्लीकेशन आई? 1,00,000 रुपए की। ये हमें जो भी पैसा मिलता है, अब हमें उसे सेग्रीगेट करना होता है कि इसमें से कितना तो कैपिटल है आपका और कितना आपका प्रीमियम है। तो हमें क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि सारा ही पैसा आपका क्या है? फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू है मतलब आपका क्या है? कैपिटल से बिलोंग करता है। अब इसे हम डिवाइड करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हमारे कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये सारा पैसा मेरा कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करता है। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं और इसका पास पैसा ट्रांसफर करते हैं कहाँ? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये कैपिटल मेरी लाइबिलिटी होती है, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए आइए, कितने रुपए थे पूरे कैपिटल के? 1,00,000 रुपए। पूरा ही फेस वैल्यू था, तो पूरा ही मैंने क्या कर दिया? ये जर्नल एंट्री पास कर दिया। डन, बिल्कुल। चलिए केस नंबर टू लेते हैं। केस नंबर टू क्या? सेम केस है, बट मैं शेयर्स जो इशू कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ? एट प्रीमियम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? एट प्रीमियम कर रही हूँ। एट प्रीमियम ऑफ ₹2। यानी कि मेरा इशू प्राइस कितना हो गया? मेरा इशू प्राइस हो गया 12 रुपए। 10 रुपए तो फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, तो लोग मुझे कितना रुपए देंगे? 12 रुपए। और पूरे 12 रुपए एक साथ किस पे दे देंगे? मुझे एप्लीकेशन पे एक साथ दे देंगे। ठीक है, तो मेरे पास में बैंक में क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये सारा पैसा किससे रिलेटेड है? मेरे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। ठीक है, कितने शेयर थे? देखो 10,000 शेयर थे। 10,000 के बदले में 12 रुपए, यानी कि कितने रुपए आ रहे? 1,20,000 रुपए आ रहे। अब क्या करेंगे? इसका सेग्रीगेशन करके ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई क्या पूरा ही कैपिटल का था क्या? नहीं, 10 रुपए तो आपकी कैपिटल से रिलेटेड था, 2 रुपए आपका प्रीमियम से रिलेटेड था। कैपिटल
कैपिटल अकाउंट के अंदर, प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देखिए 10,000 × 10 रुपए 1,00,000 रुपए, और यहाँ पे आपका आ गया 20,000 रुपए। ये हो गई आप लोगों की सिक्योरिटी प्रीमियम से एंट्री, ये आपका कंप्लीट होता है। जब वो पैसा, जब आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे क्या करवा लेते हैं, पूरा ही पैसा एक साथ मंगवा लेते हैं एप्लीकेशन पे ही, पार्ट्स के अंदर आप कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये आप लोगों का फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ही फास्ट मैनर के अंदर आप लोगों को करवा दूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे हमारी क्लासेस के अंदर, रेगुलर बैचेस के अंदर पढ़ाई जाएगी। आप लोग आए, एक बार डेमो ले, डिस्क्रिप्शन में आपको मार्क्स नंबर मिल जाएंगे कि क्या नंबर है, आप हमसे कहाँ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और कॉन्टैक्ट करें, डेमो क्लासेस लें, हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट जो जयपुर में चल रहे हैं उनसे हमारा डिफरेंस देखें, और अपने फ्यूचर के लिए आज आप यहाँ पे आए, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। इवन आपने हमारे यहाँ से 11th 12th किया तो आप लोगों का CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन का अकाउंट्स लेने की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी, आपको सारा बेसिक यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, इशू ऑफ शेयर्स। इन कैश ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट जो कॉल कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स के अंदर कॉल कर रहे हैं। से हमने शेयर्स इशू किए थे कितने, 10,000 शेयर इशू किए थे हमने, कितने शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर्स इशू किए थे। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू था, ठीक है। इशू प्राइस कितने रुपए थी हमारी, 12 रुपए इशू प्राइस थी, और जो ये 12 रुपए थे वो हम पब्लिक से कैसे मंगवा रहे थे, हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड कैसे कॉल कर रही थी, इन्होंने कहा कि भाई एप्लीकेशन पे तो आप मुझे कितने रुपए दे देना, 5 रुपए दे देना, अलॉटमेंट पे आप मुझे कितने रुपए दे देना, 4 रुपए दे देना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये जो 4 रुपए है इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। जब प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो बताइए फेस वैल्यू के तो कितने हो गए, 2 रुपए, और प्रीमियम के कितने हो गए, 2 रुपए, सिंपल सी बात है। तो बताए फेस वैल्यू का कितना रुपया और कॉल करना बाकी है, देखो प्रीमियम तो पूरा कॉल कर लिया अपन ने, 5 रुपए फेस वैल्यू के यहाँ कॉल किए, 2 रुपए यहाँ कॉल किए, टोटल 7 रुपए कॉल हो गए। फेस वैल्यू थी कितने की, 10 रुपए की, तो 3 रुपए और मुझे क्या करने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो ये बैलेंस कितने रुपए, 3 रुपए निकालेंगे। कैसे निकाला भाई, प्रीमियम तो यहाँ कॉल कर लिया पूरे 2 रुपए का, तो क्या कॉल नहीं किया, फेस वैल्यू कॉल नहीं की। फेस वैल्यू कितने रुपए भाई, 5 और 2 7 रुपए तो आप कॉल कर चुके थे, तो आपने कितने रुपए और कॉल नहीं किए, आपने 3 रुपए और कॉल नहीं किए हैं, जो हम कहाँ कॉल कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पे प्रीमियम जुड़ा हुआ है, नहीं नहीं प्रीमियम तो यहीं पे आ गया था। चलिए ठीक है, अब सिंपली इनकी क्या करते हैं, अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं एप्लीकेशन पे। जब भी हमारे पास में पैसा आएगा, पहले हमेशा क्या आता है, पैसा आता है, क्योंकि आप लोग का हो गया ना कि ये लो पैसा और हमें क्या दे दो, शेयर्स दे दो, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री किसकी की जाती है, बैंक में पैसा आने की। चलिए आइए करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैम इस बार भी अलॉटमेंट साथ में नहीं लिखा आपने, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो केवल तब साथ में लिखते हैं जब आप सारा पैसा एप्लीकेशन पे मंगवा लेते हो, यहाँ पे तो पार्ट्स में कॉल कर रहे हो आप। ओके मैम, 5 रुपए, 5 रुपए कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे, तो कितने रुपए आ गए आप लोगों के, 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब भी मैं ट्रांसफर करती हूँ हमेशा सोचूंगी कि भाई क्या सारा पैसा कैपिटल से ही जुड़ा हुआ है या फिर कोई प्रीमियम भी है, तो यहाँ तो केवल किससे जुड़ा हुआ है, कैपिटल से। तो पूरा एप्लीकेशन मनी आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे।
चलिए ट्रांसफर करते हैं, कितने रुपए? पूरे 50,000 रुपए। पूरे 50,000 रुपए, ठीक है। अब सेकंड स्टेज क्या आ रही है? अलॉटमेंट आ रही है। अलॉटमेंट पहले क्या किया जाता है? ड्यू किया जाता है। ड्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि अलॉटमेंट की डेट आ गई है। आपने सबसे पहले शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, मैंने आपके पैसे लेकर के आपको शेयर दे दिया। आपको जब शेयर दिया तो मैंने कहा कि भाई अगला जो पैसा हम मंगवाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि इतने रुपए आपको इस डेट पे देने हैं, ठीक है। तो आप पहले मैं बताऊंगी फिर आप लोग मुझे पैसा देंगे। तो पहले किसकी एंट्री की जाती है? ड्यू की एंट्री की जाती है। फिर किसकी एंट्री की जाती है? रिसीविंग की एंट्री की जाती है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे, तो मेरा जो पैसा ड्यू होने वाला है, जो अलॉटमेंट पे आएगा, वो मेरी क्या बन गई? असेट बन गई। तो असेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा इससे मेरा, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट। चलिए ये पैसा फ्यूचर में मुझे आपको वापस से क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल है मेरी, कैपिटल जनरेट हो रही है। जब कंपनी बंद होगी तब हमें रिटर्न करना पड़ेगा। हमारी लाइबिलिटी है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना है? 4 रुपए, 10,000 के हिसाब से, यानी कि 40,000। क्या ये पूरा पैसा कैपिटल से रिलेटेड है? नहीं, फेस वैल्यू तो केवल कितनी है? 2 रुपए है। तो बाकी का 2 रुपए मेरा क्या है? प्रीमियम है। प्रीमियम इज माय कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए मैंने किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अभी मैंने आप लोगों को क्या दिया है? नोटिस दिया है कि भाई आओ और हमें क्या कर दो, 1 महीने के अंदर अंदर हमारा 40,000 रुपया चुका दो। तो मैंने अलॉटमेंट का पैसा क्या कर दिया? ड्यू कर दिया। अब 1 महीने के अंदर अंदर आप मुझे पैसा चुकाएंगे। पैसा चुकाएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा? कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो अलॉटमेंट अकाउंट मैंने कहा था भाई आएगा पैसा, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने मुझे पैसा दे दिया है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए? पूरे 40,000 रुपए। 40,000 रुपए आप मुझे दे देंगे। चलिए अब इसके बाद में मैंने कहा कि भाई अभी भी पूरा पैसा आपसे मंगवाया नहीं है, फ्यूचर में जब भी फर्स्ट कॉल करेंगे तब आप पैसा बाकी का दे देना। अब टाइम आ गया जब मुझे फर्स्ट कॉल की नीड थी, तो मैंने वापस से आप सब लोगों को नोटिस भेजा कि मेरा फर्स्ट कॉल का जो पैसा है 3 रुपए, वो आप लोग मुझे अगले 1 महीने के अंदर क्या कर दे? चुका दे। तो जब भी मैं आपको ये नोटिस भेजूंगी उस दिन मैं क्या कर लूंगी? ड्यू एंट्री पास कर लूंगी। चलिए आइए, फ्यूचर में पैसा मिलेगा मुझे तो मैं अकाउंट ओपन करूंगी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमेशा ध्यान रखें, ये जो फाइनल अकाउंट है आप लोगों का, ये तब जुड़ेगा जब ये लास्ट कॉल होती है। तो जब ये लास्ट कॉल होती है, ठीक है, ओके। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या ये पूरा पैसा मेरा कैपिटल से रिलेटेड है? हाँ, यहाँ तो केवल क्या रिलेटेड है? फेस वैल्यू। कितने रुपए से? 3 रुपए। 10,000 शेयर पे 30,000 रुपए। और अब हम इसको क्या हो जाएगा? 1 महीने के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा मेरा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? पूरे 30,000 रुपए। पूरे 30,000 रुपए। चलिए, बहुत ही सिंपल मैनर के अंदर ये सारी जर्नल एंट्रीज अपन ने कंप्लीट करी। अगर मान लो आपकी सेकंड कॉल आता है तो सेम ऐसा ही करेंगे, पहले ड्यू कर देना और फिर रिसीव कर लेना। फाइनल कॉल और आ जाता है तो सेम ऐसा ही करेंगे, पहले ड्यू कर लेना और फिर रिसीव कर लेना। जब भी ड्यू करोगे हमेशा सोचना कि भाई सारा पैसा क्या कैपिटल से रिलेटेड है या उसमें प्रीमियम भी है। कि कैपिटल से रिलेटेड है तो केवल कैपिटल अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा, और अगर प्रीमियम से रिलेटेड है तो थोड़ा पैसा हमारा कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम अकाउंट के अंदर भी चला जाएगा। ये सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अच्छा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि मैडम आपने तो मान लिया कि 40,000 ड्यू हुआ तो पूरा 40,000 रिसीव भी हो गया। मान लो अगर मैडम कोई एक शेयर होल्डर है, उसके पास में अभी पैसा नहीं था तो उसने पैसा दिया ही नहीं। जब उसने हमें पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? कॉल्स इन अरियर बन जाता है। यानी कि कंपनी ने पैसा आपसे कॉल कर लिया, पब्लिक से कॉल कर लिया, बट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसे किसी भी रीजन से पैसा उस कॉल पे नहीं दिया,
तो कंपनी को अभी ये पैसा नहीं मिला है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है? कॉल्स इन अरियर कहा जाता है। आज हमें उसका पैसा नहीं मिला, तो दैट इज माई कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, ये कॉल्स इन अरियर हमें कब पता चलेगी? जब हमारे पास में पैसा आएगा। तो बैंक वाली एंट्री जो हम लोग करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर बुक कर लेते हैं। कैसे? चलिए आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, कितने? 10,000 शेयर्स इशू किए थे। चलिए 10,000 शेयर इशू कर दिए। फेस वैल्यू कितने रुपए थी? 10 रुपए थी। इशू प्राइस कितनी थी? 12 रुपए थी। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवाए भाई? 5 रुपए मंगवाए। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगवा दिए? 5 रुपए मंगवा दिए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 4 रुपए, जो अपन ने अभी सीखा था, 2+2। और बाकी का बैलेंस कहाँ पे? फाइनल कॉल पे कितने रुपए? 3 रुपए। ये वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आ गया, हमें कहता है कि भाई एक बंदा है मिस्टर एक्स, जिसके पास में 200 शेयर थे, जिसके पास में 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। उसने अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट कॉल का पेमेंट भी नहीं किया। बाकी सबने पैसा पूरा दे दिया, बैलेंस जितने भी लोग थे उन्होंने पैसा पूरा दे दिया। 10,000 शेयर में से 200 शेयर पे पैसा नहीं आया, पर बाकी के 9,800 शेयर पे पैसा आ चुका है। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए आइए अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री एप्लीकेशन आएगी, पूरे कितने? 10,000 शेयर पे आएगी। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल से नरियर नहीं होता है, आप मुझे पैसा ही नहीं दोगे तो मैं आपको शेयर तो ना दूंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे कभी भी आप लोगों का कॉल से नरियर नहीं होता है। तो यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए का कैश रिसीव कर लेंगे, जैसे अपन ने अभी अभी किया था। सेम एंट्री, कोई चेंजेस नहीं होगा फर्स्ट एंट्री में। अच्छा, अब ये 10,000 पे 5 रुपए, 50,000 रुपए पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप लोग? कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री भी क्या होगी, सेम होगी मेरी। अब थर्ड एंट्री पे आते भाई, अलॉटमेंट क्या था आप लोगों का? अलॉटमेंट ड्यू करोगे, जब ड्यू करोगे तब मुझे थोड़ा ना पता है कि भाई कितने जने पैसा देंगे। ड्यू करूंगी तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव होकर के ही करूंगी कि भाई सारे 10,000 शेयर वाले मुझे पैसा दे देंगे। तो 10,000 शेयर पे 4 रुपए, यानी कि मेरे पास कितने रुपए? 40,000 रुपए रिसीव होंगे, जिसमें से 20,000 तो मेरी क्या हो जाएगी, कैपिटल, और 20,000 रुपए क्या हो जाएगी, मेरा प्रीमियम हो जाएगा। तो थर्ड एंट्री में भी कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ड्यू कर रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कि सब जने पैसा देंगे। अच्छा, अब जब पैसा आएगा फोर्थ एंट्री में, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो मुझे पता चला पैसा कितने लोगों का आया, 9,800 लोगों का ही पैसा आया। 9,800 पे 4 रुपए तो आ गए। ठीक है, 200 लोगों का पैसा नहीं आएगा, नहीं आया अभी तक, ये मेरे पास में फ्यूचर में आएगा, आएगा फ्यूचर के अंदर, आज नहीं तो कल देंगे वो लोग। इसलिए इन 200 के लिए मैंने एक अलग अकाउंट खोला। कौन सा अकाउंट कहते हैं इसे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहते हैं इसे हम? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ओके, और अब जो हमने थर्ड एंट्री के अंदर एक अकाउंट ओपन किया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अकाउंट मेरा क्या हो गया है? क्लोज हो गया है, क्योंकि इसके 10,000 रुपए दो अलग अलग अकाउंट के अंदर हमने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 9,800 इंटू 4 रुपीज मेरा आ चुका है। और 800 रुपए मेरे नहीं आए हैं, तो टोटल 40,000 रुपए मेरे अलॉटमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, ये हमारी हो गई फोर्थ एंट्री। चलिए अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, मतलब कि कोई भी कॉल हो, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता है कि भाई शेयर फॉरफीट कर लिए, तब तक हमेशा फुल अमाउंट क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। तो फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल ड्यू के अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हम ये सोचेंगे कि 10,000 लोग, 10,000 शेयर पे हमारा क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपकी सेम एंट्री होगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ एंट्री की। जब हमारे पास में फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, पैसा आएगा तब हमें वापस से पता चला कि भाई पैसा कितने शेयर्स के ऊपर आया, केवल
9800 शेयर्स के ऊपर आया, कितने रुपए आया? 3 रुपए आया। बाकी के शेयर्स के ऊपर मेरा पैसा अभी नहीं आया है, फ्यूचर में आएगा। फ्यूचर में आएगा तो कौन से नरियर अकाउंट डेबिट? कितने शेयर्स पे? 200 × 3 और 2 इक्विटी शेयर। फर्स्ट इन फाइनल कॉल, जो अकाउंट हमारा ओपन था हमने उसे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है आपकी कंपनी अकाउंट की। चलिए इसके बाद में आपके एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि मैडम अगर मान लो कि ये कॉल से नरियर वाला मुझे पैसा दे देता, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, पैसा दे दिया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। क्या अब ये कॉल से नरियर रहा? क्या नहीं रहा तो इसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से नरियर। तो सिंपली जब भी आपके पास में इन कॉल से नरियर का पैसा आ जाता है तो आप एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल से नरियर। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है किसका? कॉल्सिन अरियर का कॉन्सेप्ट। इसी टाइप से एक और आपका एडवांस, एक और कॉन्सेप्ट चलता है आप लोगों का, कॉल्सिन एडवांस का। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि भाई देखो, मान लो अलॉटमेंट पे ही मुझे किसी बंदे ने एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस मतलब जो कॉल मैंने अभी तक करी ही नहीं, फर्स्ट कॉल। मैं अभी कौन सी स्टेज पे हूँ? मैं अभी अलॉटमेंट पे हूँ। मैंने आपसे सिर्फ अलॉटमेंट कॉल किया था, अभी तक मैंने आपसे फर्स्ट कॉल कॉल ही नहीं करी है, वो तो फ्यूचर में करने वाली हूँ, अभी तो केवल अलॉटमेंट कॉल करी है। बट किसी बंदे के पास में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, ठीक है, अपने उसके घर में बहुत पैसा होगा, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि भाई फर्स्ट कॉल के लिए मुझे वेट नहीं करना, मैं तो आज ही आपको क्या दे देती हूँ, फर्स्ट कॉल दे देती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ। ठीक है, तो जब मेरे पास में अलॉटमेंट पे ही किसका पैसा आ गया? फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। तो अब इस जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसे हम एक अकाउंट से शो करते हैं, दैट इज माई कॉल्स इन एडवांस। अच्छा बताइए, ये कॉल्स इन एडवांस मेरी क्या हो गई? भाई पैसा जो अभी तक हमारा कॉल ही नहीं किया वो हमें पहले ही एक्स्ट्रा में मिल गया, तो दैट इज माय लायबिलिटी। वो मेरी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? भाई पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। और याद, आपकी कैपिटल नहीं बनी है भाई। कैपिटल तो कब बनेगी? जब आप उसे कॉल करोगे तब आप उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आज तो वो सिर्फ आपकी क्या बनी है? लायबिलिटी बनी है। और कौन से नाम से लायबिलिटी बनी है? कॉल्स इन एडवांस से। तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अच्छा मैम, ठीक है, समझ में आया। अब एक बात बताइए मैडम, अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया है, ठीक है, एकदम फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया है, अब फर्स्ट कॉल पे कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी? तो देखिए, आइए यहाँ पे सीखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने आपको कहा कि भाई अलॉटमेंट पे 200 शेयर का 3 रुपया मेरे पास में क्या आ गया? एडवांस आ गया। ये पैसा मेरा किससे रिलेटेड था? मेरा फर्स्ट कॉल से रिलेटेड था, जो मेरे को रिसीव कब हो गया? मेरे को रिसीव हो गया अलॉटमेंट के साथ ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे मैडम? तो भाई बैंक में आपका पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। कितने रुपए से? 600 रुपए से। और ये जो 600 रुपए है, क्या ये आपकी शेयर कैपिटल बन गए क्या? नहीं, कैपिटल तो तब बनता है जब कॉल करते हैं, कॉल ही नहीं किया और पैसा एक्स्ट्रा में आ गया, तो वो मेरी लायबिलिटी बन गए। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस नाम से। तो इसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने रुपए? 600 रुपए। कितने रुपए? 600 रुपए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे भाई? 10,000 थे। 10,000 में से 200 शेयर पे तो पैसा अपने पास कब आ गया? अलॉटमेंट पे ही आ गया। तो बताओ फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए, कितने शेयर्स का पैसा आएगा? भाई 9800 शेयर्स का ही क्या आएगा? पैसा आएगा। सिंपल सी बात है, ये 200 वाला वापस से थोड़ी ना देगा अपने को। बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए, अब फर्स्ट कॉल क्या करते हैं? हमने नोटिस दिया कि भाई ड्यू कर दो, फर्स्ट कॉल का पैसा हमें सब जने वापस दे दो, ठीक है। क्या जब हमने कह दिया कि फर्स्ट कॉल का पैसा वापस दे दो, क्या ये एडवांस अब एडवांस रहा? नहीं, अब तो कॉल कर लिया हमने, तो इस एडवांस को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है लॉजिकली? जब हम लोगों ने
पैसा एक्स्ट्रा में मिल गया था हमें, हमने कॉल ही नहीं किया था और हमें पैसा एक्स्ट्रा में मिल गया, तो दैट इज माई एडवांस। हमने उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, कौन से अकाउंट में शो किया, कॉल से इन एडवांस में, इट इज माई करंट लाइबिलिटी, इट इज माई करंट लाइबिलिटी। चलिए आइए, अब हमारा टाइम आ गया है जब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं। तो क्या अब ये एडवांस एडवांस रहा क्या? नहीं 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 इसको तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम एंट्री करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 600 रुपए। चलिए ठीक है, आगे फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हो तो इक्विटी शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा जाएगा? 9800 पे 3 रुपए मेरे पास में आएंगे, कितने रुपए आएंगे? 3 रुपए। तो देखिए टोटल ये हो गया मेरा 30,000 रुपए। समझ में आया? ठीक है मैडम, मैं वापस से समझा दूँ एक बार, बिल्कुल समझा देती हूँ। कॉल्स इन एडवांस जो मेरे को मिला था, अब वो मेरी करंट लाइबिलिटी नहीं रहा, क्योंकि मैंने कैपिटल कॉल कर ली तो अब वो मेरी कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने एक एंट्री करी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बाकी के लोगों से भी कॉल कर लिया, जो पैसा फ्यूचर में आएगा। तो एक असेट क्रिएट करी अभी, इक्विटी शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा पैसा, क्योंकि जब कंपनी बंद होगी तब मुझे चुकाना पड़ेगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल डन। ठीक है मैम, अब इसका पैसा रिसीव कर लो, सिंपल। जब पैसे देने की डेट आएगी सब जने पैसा दे देंगे। कॉल्स इन एडवांस का तो पहले ही आ रखा है, केवल किसका आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल का पैसा आएगा। तो एंट्री कर ली हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट इन फाइनल कॉल कितने रुपए से? 29,400 रुपए से। कितने रुपए से? 29,400 रुपए से। चलिए ठीक है मैडम, समझ में आ गया हमें बहुत ही अच्छे से। अब एक काम करो मैडम, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी समझा दो हमें, उसमें कब से कब तक लेना है, हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, आप लोग देखिए कॉल से नरियर एक टेबल बना लीजिए सिंपली, और लॉजिकली समझ लीजिए इसे, कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कॉल से एडवांस देखिए, कॉल से नरियर जिस दिन हो जाता है, जिस दिन अरियर होता है तब से स्टार्ट होता है, यानी कि रिसीव टू रिसीव। और अभी याद करो फिर समझाती हूँ अच्छे से, और ये हमारा रिसीव टू ड्यू। देखिए कॉल से अरियर कब होता है? जब मैंने आपसे अलॉटमेंट कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने अलॉटमेंट दे देना है, बट आपने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो मुझे पता कब चलेगा भाई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? जिस दिन लास्ट डे आपका होगा, रिसीविंग का लास्ट डे होगा। तो रिसीव मतलब क्या है? रिसीविंग का लास्ट डे, जिस दिन आपको बैंक में पैसा की एंट्री करते हो, तब से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का डेट स्टार्ट करना है। लगाओगे कब तक इंटरेस्ट? भाई जब तक आप मुझे मेरा पैसा नहीं दे देते हो तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो रिसीव टू रिसीव डेट तक आपको क्या करना होता है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाला केस देखो, कब से कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट हमारी कंपनी को देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि भाई आपने पैसा हमें एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया तो हम आपको उसके ऊपर क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो स्टार्ट कब से करेंगे हम लोग इसे? भाई आपने जिस दिन मुझे पैसा दिया उसी दिन से तो आपको इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही बात है, तो रिसीव से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक? देखो अपन ने एंट्री करी थी कि भाई अब कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे, ड्यू के साथ में कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया था हमने उस पैसे को। ठीक है, क्योंकि उस दिन से हमारा राइट बन गया, हमने आपसे कॉल कर लिया, आपकी कॉल आ गई, अब उस पैसे पे हमारा राइट हो गया, तो अब आपका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कहां से कहां तक देंगे? रिसीव से ड्यू डेट तक देंगे। ओके, कॉल से नरियर पे जो आपका इंटरेस्ट होता है वो कंपनी रिसीव करती है, इसलिए आपकी ये क्या होती है? इनकम होती है। कॉल्स इन एडवांस पे हमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, इसलिए हमारा ये क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है।
इसके लिए आपका जर्नल एंट्री क्या होता है भाई, पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, किसका, कॉल्स इन अरियर का और कॉल्स इन एडवांस का, ठीक है मैडम। एक छोटा सा एग्जांपल भी करवा दो ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। ओके, एग्जांपल ले भाई, डेट्स के साथ में दे रही हूँ मैं आप लोगों को, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, है ना, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास में रिसीव हुई थी, कब हुई थी भाई, 1 अप्रैल 2022 को मेरे पास में 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, ठीक है। अलॉटमेंट ड्यू करना था मुझे, ड्यू करना मतलब मैंने नोटिस दिया कि मुझे पैसा दे दो मेरे अलॉटमेंट का, कितनी तारीख को नोटिस दिया, चलो लेते अपन लोग 1 सितंबर को नोटिस दिया कि आप लोग अब मुझे 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर दो, पेमेंट कर दो, विद इन मंथ, यानी कि आप लोगों के लिए लास्ट डेट क्या हो जाएगी भाई रिसीविंग की, लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2022 तक आपको मुझे पेमेंट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू किया कब, 1 मार्च को ड्यू किया, 1 मार्च को मैंने आप लोगों को नोटिस दिया कि भाई मेरे को मेरे फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, और कब तक आपको मुझे पैसा देना है, अप टू 31 मार्च तक आप मुझे क्या दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, अप टू 31 मार्च तक आप मुझे क्या दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक बंदा था जिसने अलॉटमेंट पे मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए, एक बंदा था जिसने मुझे अलॉटमेंट पे 10,000 रुपए नहीं दिए, तो दिस इज माय कॉल सिनेरियो, राइट, बिल्कुल। और ये पैसा उसने मुझे विथ फर्स्ट कॉल दे दिया, कब दे दिया, विथ फर्स्ट कॉल दे दिया, ठीक है। तो देखिए आप लोग, उसने मुझे अलॉटमेंट पे अरियर दिया था, तो अलॉटमेंट पे लास्ट डेट क्या थी पैसा देने की, 1 अक्टूबर तक तो वो मुझे पैसा दे ही सकता था, 1 अक्टूबर तक उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो अब मैं क्या लगा दूंगी उसके ऊपर, इंटरेस्ट लगा दूंगी। तो देखो, रिसीविंग डेट थी 1 अक्टूबर, तो मेरा इंटरेस्ट लगना कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 से। अब ये कहते हैं कि भाई आपने कैश कब रीपेमेंट कर दिया, इस बंदे ने इस 10,000 रुपए का फर्स्ट कॉल के साथ में पेमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल कब देता वो मुझे, 31 मार्च को देता, क्योंकि 1 मार्च को तो मैंने आपको नोटिस दिया था कि आप 31 मार्च तक मुझे पैसा दे देना, तो उसने मुझे पैसा कब दिया होगा, 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से मेरा इंटरेस्ट कब तक चार्ज करूंगी मैं उसके ऊपर, 31 मार्च तक चार्ज करूंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट नहीं बताता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा लगती है 5% पर एनम, ठीक है, सॉरी ये चेंज हो गई है, 10% पर एनम। चलिए, आइए, समझ में आ गया, बस इस डेट से लगा लेना आप लोग कितना, चलिए लगा के भी बता देती हूँ, 10,000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे 10% कितने महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो जो भी आएगा ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट का भी पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन, सॉरी टू इंटरेस्ट। चलिए अब कॉल्स इन एडवांस का ले लेते हैं। मान लो आपने अलॉटमेंट पे मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल, ठीक है। पेमेंट कब किया भाई, 1 अक्टूबर को किया होगा आपने, बिल्कुल, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ में पेमेंट किया है, तो पेमेंट कब किया होगा, 1 अक्टूबर को। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा कि भाई किस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं पेमेंट करना, आपको नोटिस कब दे दिया, 1 मार्च को, 1 मार्च को आपको कहा कि आप 31 मार्च तक पेमेंट कर सकते हो, तो पेमेंट स्टार्ट कब से हो जाती है, पेमेंट करने की डेट से हो जाती है, 1 मार्च से, 1 मार्च को ही तो मैं फर्स्ट कॉल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो इसी दिन ये जो मेरी एक्स्ट्रा पैसा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेरी कैपिटल के अंदर। तो मैं कब तक आपको इंटरेस्ट दूंगी,
1 अक्टूबर से 1 मार्च तक, यानी कि कितने महीने, 5 महीने। अगर क्वेश्चन आपको खुद रेट नहीं बताता है तो अपन कितनी लेते हैं, 12% पर एनम लेते हैं, यानी कि 10,000 पे 12% कितने महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च नहीं लेंगे, 1 मार्च तक ही लेना है, यानी कि 5 महीने। ये आपका क्या निकल गया, कॉल्स इन एडवांस निकल गया। बहुत ही सिंपल सा है आप लोगों का। अरियर पे इंटरेस्ट कब से चालू होता है भाई, अरियर पे रिसीव से रिसीव चलता है, और एडवांस पे कब से चलता है, रिसीव से ड्यू चलता है, रिसीव से ड्यू चलता है। केवल ये इतना सा छोटा सा आप लर्न करके क्या कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके आगे का अपना कंपनी लेक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगी, फॉरफीचर और री इशू करवाऊंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन का एक सिंगल क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, जिसके अंदर आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा, फिर अपन कुछ फॉरफीचर और री इशू देख लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।